नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रकांत। दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेके आया हूँ जहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। ये वीडियोस आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल रहेंगे। आज की वीडियो में सतलुज नदी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात की जाए सतलुज के ओरिजिन की, तो इसका ओरिजिन मानसरोवर के पास राक्षस ताल से होता है, जिसे राक्षस ताल भी कहा जाता है। ये तिब्बत में है। हिमाचल में सतलुज नदी शिपकिला के पास से एंटर करती है, ये किन्नौर में है। सतलुज का वैदिक नाम शुतुद्री है और शतद्रु इसका संस्कृत नाम है। सतलुज हिमाचल की पांच डिस्ट्रिक्ट में से होकर गुजरती है। इनके नाम है किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी, बिलासपुर। हिमाचल में ये 320 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। साथ ही जो इसका कैचमेंट एरिया है वो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। सतलुज भाखड़ा के पास से निकल के पंजाब में आगमन करती है। हरिके के पास ब्यास और सतलुज आपस में मिल जाती हैं। इस लंबे सफर के बाद आखिर में सुलेमांकी के नजदीक सतलुज पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। अगले स्लाइड में देखेंगे कि सतलुज की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। पहली ट्रिब्यूटरी है बसपा रिवर। बसपा जो कि किन्नौर में करचम के पास सतलुज में मिल जाती है। अगली ट्रिब्यूटरी की बात की जाए स्पीति रिवर। स्पीति का ओरिजिन कुंजुम रेंज से होता है और स्पीति सतलुज में नामगिया के पास मर्ज हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली ट्रिब्यूटरी है स्वान। स्वान रिवर शिवालिक के साउदर्न स्लोप से निकलती है और हिमाचल और पंजाब के बीच में बॉर्डर का काम करती है। लास्ट ट्रिब्यूटरी जो कि इंपॉर्टेंट है, नोगली के नाम से जानी जाती है, सतलुज को रामपुर के पास ज्वाइन करती है और निरमंड के पास कुल्लू में एंटर होती है। आगे चलते हैं और देखते हैं सतलुज पे बने हाइड्रल प्रोजेक्ट। सबसे पहले नाथपा झाकड़ी जो कि शिमला में है। 2004 में ये बनकर तैयार हुआ था। इसकी कैपेसिटी 1500 मेगावाट की है। अगला है करचम वांगतू जो कि किन्नौर में है। इसकी कंस्ट्रक्शन 2011 में खत्म हुई थी। इसकी कैपेसिटी की बात की जाए 1000 मेगावाट की कैपेसिटी रखता है ये। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है भाखड़ा और काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये प्रोजेक्ट बिलासपुर में है और 1963 में बनकर तैयार हुआ था। वर्ल्ड के हाईएस्ट ग्रेविटी डैम में से एक ये भी है, जिसकी कैपेसिटी की बात करें तो 1325 मेगावाट की है। चलिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है, बताइए कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। वापस आते हैं भाखड़ा पे, तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड 1966 में तैयार किया गया था, जो कि बाद में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के नाम से बदल दिया गया। अगला कोल डैम प्रोजेक्ट जो कि चंडीगढ़ मनाली हाईवे के नजदीक बरमाणा के पास है। इसकी नींव हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में रखी थी। बाद में इसका नाम बदल के अटल डैम कर दिया गया। आखिर में संजय विद्युत परियोजना जो कि किन्नौर में है, ये 1990 में कंप्लीट हुआ था और इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो 120 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। 1990 में ये तैयार हुआ था। दोस्तों, ये था सतलुज नदी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद।